बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिया, आपको अपने यूट्यूब चैनल महफिल फूड पॉइंट में वेलकम करती हूँ। आज हम बहुत ही स्पेशल और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपके लिए लेके आए हैं। ये रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक सिर्फ दो चीज़ों से बनके तैयार होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही मज़ेदार और ठंडक पहुँचाने वाला ये शरबत है। आप गर्मियों में इसको बनाएं, आप इसको रोज़ भी बना के पी सकते हैं। आप ये ड्रिंक बना के मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको हमारी आज की रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक खूबसूरत सा लाल कलर का तरबूज लेंगे, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठा है। इसको हम इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर में पीसना है, तो इसमें से बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बीजों को भी हम इसके साथ पीस लेंगे क्योंकि इन बीजों से चार मगज निकलता है, तो बहुत ज़्यादा ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा है। तो इसको हम इसी तरह से पीस लेंगे, ये तरबूज इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही एक से दो टेबलस्पून हम इसमें चीनी डालेंगे और एक गिलास हम इसके साथ ठंडा पानी शामिल करेंगे और आइस क्यूब्स भी इसमें डालेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा काला नमक इसमें शामिल करें। अगर आपको इसका फ़्लेवर पसंद है तो आप इसमें डालें, अगर आपको इसका फ़्लेवर नहीं पसंद तो आप इसमें से ये काला नमक स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरह हम ये सारा ड्रिंक तैयार कर लेंगे और फिर इसको ग्लास में सर्व करेंगे। अब हम ब्लेंडर को चला देते हैं, हमने इसमें एक गिलास पानी भी शामिल किया है, तो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जो बीज हमने इसमें डाले इसके साथ वो भी अच्छी तरह से पिस जाए और उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप छानना चाहते तो छान लें। अगर आप इसको वैसे भी सर्व करेंगे तो ग्लास में ये बीज नीचे बैठ जाएंगे। मैंने इसको ऐसे ही सर्व किया है छाने बगैर, तो बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग हमारा ड्रिंक बनके तैयार हो गया। इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है और बहुत ही मज़े का ये ठंडा शरबत आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी केमिकल के। आप इस तरह से नेचुरल चीज़ों से ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत घर में तैयार करें और गर्मियों में इसको पी के इंजॉय करें। अगर आपको हमारी आज की समर ड्रिंक की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।